आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अपन यूडाइस के अंदर से पीई एजुकेशन पीईएन परमानेंट एजुकेशन नंबर को एक्टिवेट करेंगे, कैसे उसका नंबर देख सकते हैं, कैसे बच्चे की डिटेल्स अपन देख सकते हैं, कैसे बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं, यूडाइस का पूरा काम। तो सबसे पहले अपन अपने यूडाइस को लॉगिन करेंगे। यहाँ से मैं चला जाता हूँ गूगल पे। गूगल पे मैं टाइप करता हूँ यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन, ये आप चेक कर लीजिएगा। लॉगिन इस पे जैसे ही ये पेज अपने पास ओपन होता है, यहाँ पे इस तरीके का और इंटरफेस अपने सामने आता है। यहाँ पे अपन को लॉगिन ऑल मॉड्यूल्स में से करना है। यूडाइस के सारे मॉड्यूल्स हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के, ठीक है। यहाँ पे जैसे लॉगिन स्कूल डायरेक्टरी वगैरह का है सारा, प्रोफाइल फैसिलिटीज प्रोफाइल अपडेट करेंगे वहाँ उसका, यहाँ से होगा। टीचर मॉड्यूल यहाँ से होगा, स्टूडेंट मॉड्यूल यहाँ से होगा। तो अपन को अभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स को प्रमोट करना है और उसका परमानेंट एजुकेशन नंबर अगर किसी को चाहिए तो वो करना है, उसके अंदर बच्चे को डिटेल हटाना है। तो यहाँ से अपने स्टेट को अपन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं राजस्थान के अंदर आता हूँ तो राजस्थान का मैंने सेलेक्ट करके ओके किया। उसके बाद में अपन अपनी यूज़र आईडी से अपन इसको लॉगिन कर लेंगे। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से कैप्चर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर 6-1। कैप्चर डालते ही ये अपने सामने इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिसके अंदर यूडाइस में जो अपन ने 22-23 के अंदर जो डिटेल फिल की थी वो, और 23-24 के अंदर जो अभी अपन को डिटेल अपडेट करनी है, 22-23 के बच्चे को प्रमोट करना है, उससे रिलेटेड सारी डिटेल अपन को 23-24 के अंदर मिलेगी। तो 23-24 में अपन क्लिक करते ही अपने सामने इंटरफेस पूरा इंटरफेस आ जाता है। इंटरफेस में पहले लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास स्कूल डैशबोर्ड आता है, स्कूल की प्रोफाइल आती है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आता है, सेक्शंस मैनेजमेंट आता है और प्रोग्रेस एक्टिविटीज़ आती है। प्रोग्रेस एक्टिविटीज़ के अंदर ही अपन को काम करना है। तो प्रोग्रेस एक्टिविटीज़ में अपन को क्या करना है, प्रोग्रेस एक्टिविटीज़ में अपन को बच्चे की डिटेल को प्रमोट करना है। बच्चे की डिटेल, कोई बच्चे किसी बच्चे ने अगर टीसी ली है तो उस बच्चे की डिटेल को अपडेट करना है। सारी चीज़ें अपन इस प्रोग्रेस रिपोर्ट एक्टिविटीज़ के अंदर करेंगे। फिर नेक्स्ट अपने पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल्स है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड 2022-23 डुप्लीकेट कोई बच्चा है तो उसको यहाँ से हटाएंगे। तो अपन आज का अपना वर्क होगा प्रोग्रेस एक्टिविटीज़ पे, जिनमें 22-23 में अगर कोई बच्चा है, 22-23 में अपने पास जो बच्चा यूडाइस में था अभी वो बच्चा अपने पास है तो उसको 22-23 के बच्चे को अपन को प्रमोट करके 23-24 में लेके आना है। और किसी कोई बच्चा अगर यहाँ से टीसी ले चुका है तो उसके बच्चे के रिकॉर्ड को हटाना है अपन को। तो यहाँ से अपने पास सबसे पहले अपन प्रोग्रेस मॉड्यूल में जाएंगे जिसमें बच्चे की पूरी डिटेल आएगी। प्रोग्रेस मॉड्यूल में अपन को गो क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपन को वन बाय वन करके, यहाँ पे अपने पास रिकॉर्ड कोई भी इशू नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपन को वन बाय वन करके एक एक क्लास का रिकॉर्ड अपन को, जैसे मैं यहाँ से नर्सरी क्लास का ले सकता हूँ, सेक्शन ले लूँगा, ये सेक्शन ले लिया, अपन गो करेंगे। यहाँ पे अपने 22-23 की जो बच्चे की डिटेल थी जो अभी पास आउट करके प्रमोट होकर अपने पास 23-24 में आ गए हैं, उनकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। तो उनमें जैसे बच्चे का ये नाम आ गया, ये अपना पीईएन नंबर जो कई स्कूल वाले अपने मांगते हैं कि आपके बच्चे का पीईएन नंबर बताइए, तो यहाँ से अपन पीईएन नंबर बता सकते हैं। ये बच्चे की डिटेल आ गई पूरी। यहाँ पे बच्चे का एक्शन अपन को लेना है। तो प्रोग्रेस स्टेटस क्या था, 22-23 में बच्चा था अपने पास, तो 22-23 में आने के बाद बच्चा क्या हुआ, अपन ने उसको प्रमोट कर दिया, ठीक है। प्रमोट करने के बाद में यहाँ पे 22-23 में बच्चे को अपने प्रमोट कर दिया, फिर उसमें प्रमोट किया तो कितने मार्क्स से वो प्रमोट हुआ है। तो यहाँ पे अपन मान लो 60% में डाल देता हूँ कि 60 मार्क्स उसने अचीव किए हैं या लिए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, बच्चा कितने दिन स्कूल में आया है, तो यहाँ पे मैं 240 मतलब जैसे 365 उसके हाफ करके अपन यहाँ पे अटेंडेंस लिखेंगे। पूरी एनम की रहती है उसकी हाफ, मतलब फुल डे की रहती है वो हाफ डे के करके अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 220 कर देता हूँ। चलो स्कूलिंग इसमें ये पूछ रहा है कि 220 अपन ने कर दिया। फिर पूछ रहा है कि स्टडिंग इन सेम स्कूल अपने पास पढ़ रहा है या दूसरे स्कूल में गया। तो स्टडिंग इन सेम स्कूल अगर अपने पास पढ़ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज बच्चा टीसी लेके कोई दूसरी स्कूल में चला गया तो यहाँ पे क्लिक करके अपन उसको लेफ्ट कर देंगे। यहाँ पे एक्शन करके अपडेट कर देंगे। अपडेट करते ही ये बच्चा अपना अपडेट हो जाएगा। ऐसे करके अपन को सारे बच्चों की डिटेल्स अपडेट करनी है और यहाँ से हर क्लास सेलेक्ट करके, क्लास सेलेक्ट करके ही अपन को पूरी डिटेल अपडेट करनी है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।